लास्ट टाइम हमने डिफरेंट जो है वो मेथड डिस्कस किए थे मिक्सर को सेपरेट करने के लिए. उसमें फर्स्ट मेथड हम डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन. नाउ विल डिस्कस अबाउट डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन क्या है? दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सर. ये मेथड को भी हम मिक्सर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ होगा? इफ़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ये मेथड उस वक्त जो है वो हमारे लिए यूज़ होगा जब कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सर जो है उसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैं. मिक्सर के कॉम्पोनेंट्स के क्या हैं? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. तब हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन क्या है? नाउ व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज अ मेथड बाय विच टू और मोर लिक्विड इन अ सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड इन अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग इट एन अदर कंटेनर. डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, सॉल्यूशन में अगर टू और मोर लिक्विड्स हैं और उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं तो हम उन्हें सेपरेट करेंगे. लेकिन कैसे सेपरेट करेंगे? सबसे पहले हम उनको उनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करेंगे और उसके बाद उसको कंडेंस कर लेंगे किसी भी कंटेनर. अब आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो. पिक्चर में आप देखो कि आपको दिखाया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम वाटर को अगर हम डिस्टिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी भी जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है. ठीक है, बॉयल करने के बाद उसको फिर कंडेंस किया जाता है. ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, कंडेंसर. फिर उसको कंडेंस किया जाता है और कंडेंस करने के बाद किसी दूसरे कंटेनर में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है. ये अपरेटस किस लिए यूज़ हो रहा है? फॉर डिस्टिलेशन. ठीक है, अब अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं डिस्टिलेशन की. डॉक्टर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं फॉर इंजेक्शंस. डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो जर्म्स फ्री होता है. ठीक है, और अरब ममालिक लाइक सऊदी अरेबिया है और कुवैत है, वहाँ पर सी वाटर होता है. अब सी वाटर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं. इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर क्या होता है कि वाटर जो है वो ड्रिंकेबल बन जाता है. नेक्स्ट, अगर एक और एग्जांपल हम डिस्कस करें तो क्रूड ऑयल होता है. क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इन इम्प्योरिटीज़ को भी सेपरेट कहाँ से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन. विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन. और ऑयल रिफाइनरीज जो है वो ये मेथड यूज़ करते हुए ऑयल को क्या करती हैं, रिफाइन करती हैं. होप सो कि आपको डिस्टिलेशन समझ आ गया.